नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके सामने फिर से कुछ ऐसे उपाय लेकर हाजिर हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल देगी। तो हाँ, आज हम जानेंगे तवा। तो तवा तो हर रसोई घर में रोज रहता ही है। तो तवे के इस उपाय से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी किस्मत भी। आप सोच भी नहीं सकते कि रसोई घर में रखे ऐसे तवा आप इस तरीके से रखेंगे कि आप धनवान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए घर का वास्तु ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो कि हमारे जो घर का मेन जो हिस्सा होता है वो होता है किचन। किचन हर घर का अहम हिस्सा होता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और इसके लिए बहुत कुछ खास वास्तु टिप्स भी बताए गए हैं जो हमारे रसोई घर है और रसोई घर के निर्माण दशा या दिशा से जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के, तो वो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से किचन में रखे बर्तन भी शुभता और अशुभता का कारक भी बनते हैं। तो इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय दोस्तों कुछ बातों का हमें बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। तो किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बर्तन में कढ़ाई के बाद क्या आता है? तवा। तो हाँ दोस्तों, तवा बहुत ही हमारा मेन हिस्सा है रोज के बर्तनों में उपयोग आने वाला, जिस पर हम रोटी बनाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो कि खिला पिला कर रोटी। तो तवा एक ऐसा बर्तन है जिसका उपयोग हम रोज करते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि तवे से जुड़े खास वास्तु टिप्स भी हैं जिनकी जानकारी सभी को नहीं होती है। तो और नहीं है तो आइए जानिए वो कौन सी जानकारी है जो सबको इसकी जानकारी होना चाहिए। ख़ास तौर से घर का किचन संभालने वाली महिलाएं ध्यान से सुने, महिलाओं को तवे से जुड़े टिप्स तो ज़रूर मालूम होने चाहिए, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा वक्त जो होता है हमारी महिलाएं ही, जो हमारी माँ बहन होती वही बिताती हैं। तो किचन में सही दिशा में रखा हुआ तवा भी आपके जीवन को सकारात्मक से भर सकता है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए बताती हूँ आपको। सबसे पहला उपाय है दूसरों की नज़र से दूर। तो आप अपने रसोई घर में तवा को एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से बाहर आने वाले लोगों की नज़र उस पर ज़्यादा ना पड़े। तो तवे को हमेशा अलमारी रैक वगैरह जो होता है वहाँ पर आप इसको रखिए। अगर तवे पर लोगों की नज़र पड़ती है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारा दूसरा उपाय है तवे पर नमक ज़रूर छिड़कना चाहिए। जब आप सुबह पहली रोटी पकाने जाएं तो उससे पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और फिर उसके बाद आप इसमें अपना जो रोटी वगैरह होता है तब इस पर बनाइए। आप इस तरीके का उपाय करते हैं तो धन भी बना रहेगा और घर की समृद्धि और खुशहाली के लिए पहली रोटी किसी जानवर या पक्षी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई जानवर वगैरह आता है, गाय वो हो गई, तो आप उसको दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप पक्षी को ऊपर छत पर रख दीजिए तो पक्षी ज़रूर वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर तो भी नहीं होता तो आप इकट्ठा करके रख दीजिए और जहाँ गौशाला है आपके आस पास वहाँ पर आप ले जा करके अच्छे साफ इस रोटी को किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा उपाय है तवा को कभी उल्टा ना रखें। किचन में कभी भी तवा और कढ़ाई को तो उल्टा करके रखना ही नहीं चाहिए। लोग हमारी घर की जो महिलाएं होती हैं हमेशा तवा को उल्टा करके रख देती है कढ़ाई को, इसलिए कि उसका पानी इसमें जंक ना लगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक आपको ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। इसलिए कभी भी आप तवा या जो कढ़ाई है उसको कभी भी उल्टा मत रखिए। तो अब चलिए अपना नेक्स्ट जो होता है उपाय वो बताती हूँ। अपना चौथा उपाय, गर्म तवे पर पानी कभी भी ना डालें, उसके छींटे भी नहीं डालने चाहिए। कभी भी गर्म तवे पर पानी की जो बूंदें होती थोड़ी बहुत वो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गर्म तवे पर पानी पड़ने से ऐसा माना जाता है कि गर्म तवे पर उत्पन्न होने वाली जो छन्न की आवाज़ आती है तो वो हमारे जीवन में, मतलब आपके जीवन में परेशानियों की गूंज बनकर आ सकती है। तो इसलिए कभी भी आप तवे को गर्म पानी कि जो छी मतलब गरम तवा जो है तो गरम उसमें पानी की छींटे बिल्कुल भी
नहीं डालिए। अब हमारा पांचवा उपाय है, नींबू और नमक से साफ़ करें तवे को। तो जब भी आप तवा साफ़ करें तो नींबू और नमक से साफ रखने से आपका जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आप तवे के ठंडा होने के बाद उसे नमक और नींबू से रगड़कर ही चमकाएं। साफ़ और चमकते तवे की मदद से आपकी किस्मत भी जगमगा उठेगी। वो कहते हैं अब कि अगर आपका तवा जिस तरीके से चमकेगा या कढ़ाई जो आपने साफ की एकदम चमकेगा तो आपकी किस्मत उसी के अनुसार चमकती है। तो इसलिए हमेशा तवे और कढ़ाई को हमेशा चमकना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको इस एक बात का और ख्याल रखना है कि तवे और कढ़ाई की सफाई के दौरान उसे किसी भी पहनी चीज़ से ना खुरचे या चाकू वगैरह या जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको चम्मच वगैरह से इस तरीके से कभी भी आप खुरचे नहीं। गर्म पानी की मदद से उस पर जो चिपकी हुई चीज़ है उसको हम हटा सकते हैं आसानी से। तो तवा और कढ़ाई में ना तो खाना खाए और ना ही उसे जूठा करे। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष बिगड़ सकता है। तो दोस्तों हमारा अगला उपाय है, तवा को धोकर तो जरूर ही रखें। कई लोग होते हैं मतलब दोनों मीटिंग का खाना बना कर रख मतलब जब खाना बना लेते हैं तभी वो तवे को साफ़ करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जितनी बार खाना बनाएं उतनी बार तवा को धोकर ही यूज करें। कई लोगों की आदत हो जाती है ना कि रात का भोजन तैयार करने के बाद वो तवे को धोते ही नहीं है। आपका ऐसा करना अन्न को अपमानित करने के समान माना जाता है। तो इसलिए कभी भी तवा को बिना धोए आप यूज मत करिए। रात का खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से साफ करके आप ऐसी जगह रखें, वो तो मैंने बता दिया आपको कहाँ रखना है ताकि किसी की उस पर नज़र ना पड़े। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपके जितने भी ग्रह होते हैं वो काफ़ी हद तक कट जाते हैं और आप धन जो होता है जो धन का आगमन भी होता है और आपके घर में दलिद्रता क्लेश ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमेशा हो सके तो तवा ही क्या कोई भी बर्तन रात में नहीं रखने चाहिए। इससे क्या होता है हमारी जो धन की देवी लक्ष्मी होती है वो रुष्ट हो जाती है। और दोस्तों हमारा अगला उपाय है कि हमें कभी भी जो लोहे की जो तवा वगैरह होता है वो शनिवार को कभी भी खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इससे क्या होता है हमारा जो शनि ग्रह होता है काफ़ी मतलब भारी हो जाता है, जो हमारे ऊपर शनि की साढ़े सती चालू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी तवा को सैटरडे के दिन या शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए और इस पर तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो तवा को हमेशा इस तरीके से रखिए कि वो हमेशा चमकता रहे ताकि आपकी किस्मत भी चमकती रहे। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों कि आप अगर वास्तु दोष है आपके ऊपर तो आप ये उपाय ज़रूर अपनाइएगा। घर में यदि तनाव और कलह की स्थिति चल रही है तो आप तवे के कारण होने वाले वास्तु दोष को शांत करने के लिए आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। और बिना धुले तवे पर 2 या 3 इंच की रोटी बना ले, इसे घर के बाहर रख दे ताकि कोई जानवर या पक्षी इसे खा सके। इस उपाय से आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं।